हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो इन द लास्ट सेशन हमने कवर किया था फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट उसमें हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए थे तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट पहले हमने इसमें डेफिनेशन और कंसेप्ट वगैरह हमने इसमें क्लियर कर लिए हैं नेचर ऑफ़ मैनेजमेंट में फर्स्ट इज़ गोल ओरिएंटेड इट मीन्स कि जो भी अफर्ट्स होते हैं मैनेजमेंट में वो सारे के सारे गोल ओरिएंटेड होते हैं बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक गोल होता है जो अचीव करना होता है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज तो जो भी मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ की जाती हैं या जो मैनेजर्स को जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को तो अचीव करते ही हैं और उसके साथ साथ जब उनका क्यूमुलेटिव डिपार्टमेंट के जो रिज़ल्ट आते हैं उनको क्यूमलेटिव जब देखा जाता है तो वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं नाउ द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक रिसोर्सिस मैनेजमेंट भी अपने आप में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्योंकि लैंड लेबर मनी मशीन मटीरियल जो भी हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकते हैं इवन द प्रोडक्शन ऑफ आइडिया इज दे आर तो इसमें सब जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो मैनेजमेंट भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्योंकि जितने भी बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल है मनी है मशीन है इन सब के जो ओवरऑल आउटपुट चाहिए होता है वो प्रॉपर मैनेजमेंट करके ही किया जा सकता है ताकि इन रिसोसिस को ऑप्टिमली यूटिलाइज़ किया जाए वेस्टेज ना हो स्क्रैप ना हो अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसमें प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो ऐसा नहीं हो कि किसी को एक्सेसिव सैलरीज हो या लेस सैलरीज हो जिसकी वजह से एट्रीशन रेट ज़्यादा होता है एट्रीशन रेट इज़ एम्प्लॉय टर्न ओवर रेशियो तो ऑल टुगेदर एक्टिविटीज़ में जब कम्यूनिटिव अफर्ट्स किए जाते हैं जिनकी एफिशेंसी को इनक्रीज किया जाता है तो ये सारा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली मैनेजमेंट हो देन थर्ड इज़ मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि उसके खुद की सेपरेट आइडेंटिटी है एक सेपरेट प्रोसेस है जैसे प्रोसेस में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कम्युनिकेटिंग ऑडिटिंग ये हमने पहले डिस्कस किया है और ऑक्सिलरी फंक्शंस भी हैं जैसे मोटिवेटिंग भी है मैनेजमेंट के अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं प्लानिंग से स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो नेवर एंडिंग होती हैं जब कंट्रोलिंग हो गया तो जो हमने प्लान किए थे गोल्स उनको हम अचीव कर पाए कि नहीं हम ये कंट्रोल करते हैं कि हम उसको कंपैरिजन करते हैं इट माइट बी सो कि कंट्रोलिंग स्टेज पे हमें ये हमारा फाइंडिंग आती है कि हमारी जो प्लान स्टेज थी उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट नहीं है या उसके अकॉर्डिंगली जो भी कंपनी के गोल थे अचीव नहीं हो रखे तो वहाँ पर या तो जो प्लान किया जाता है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं या जो हमारा वे ऑफ फंक्शनिंग था काम करने का तरीका था उसमें चेंजेस किए जाते हैं तो ये ऑल टुगेदर कंट्रोलिंग में कवर होता है देन मैनेजमेंट इज़ अ इंटीग्रेटिव फोर्स और द प्रोसेस मैनेजमेंट एक इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और अदर रिसोर्स हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कम्बिन कंबाइंड एफर्ट्स होते हैं इसमें ह्यूमन के और जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो बाकी एम है बिकॉज जो मैन है वही कंट्रोल करता है बाकी एम्स को नेक्स्ट वन इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं या एक ही थ्योरी होती है या थम रूल होता है जो इसमें अप्लाई करता है बाकी डिसिप्लिनस भी हैं जैसे मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग से करके प्रोडक्शन में उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है सोशलॉजी में इंट्रैक्शन विद द पीपल हुआ कस्टमर्स हुआ साइकोलॉजी डील करता है कस्टमर्स की साइकोलॉजी कैसे किस टाइम पर उनको जो प्राइस है वो हाइक देना चाहिए फेस्टिवल सीजन पे जो भी प्राइस है उसको लो करना चाहिए कब कस्टमर्स की परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है इकोनॉमी भी इसमें स्टडी की जाती है इकोनॉमी ये बताती है कि डिफरेंट क्लासेस स्टेटाज़ ऑफ़ पीपल हैं वो किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को वो लाइक like करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के ही उसी के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं इट इज़ लाइक साइकोलॉजी सोशलॉजी पॉलिटिकल साइंस में भी यहाँ आता है बिकॉज जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को अब जैसे अगर हम ट्राई की बात करें टी की बात करें रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से की पॉलिटिकल अप्रोच होना भी बहुत जरूरी है कंपनी की सक्सेस के लिए दे नेक्स्ट इज इंटेलिजिबल फोर्स मैनेजमेंट ऐसी फोर्स है जो दिखती नहीं वी कै नॉट टच इट वी कैनोट फील इट बट इट इज सेम थ्रू द वे ऑफ रिजल्ट देन मैनेजमेंट इज गेटिंग रिजल्ट थ्रू द अदर्स बिकॉज एक पर्सन के करने से कुछ नहीं होता इट इज अ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल हुआ वर्किंग इन दी ऑर्गनाइजेशन सो इट रिक्वायर्ज द एबिलिटी एंड स्किल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वर्कर्स वॉट एवर कॉम्पिटेंसी इज रिक्वायर्ड दैट मस्ट भी देयर इन दर्कर्स ऑफ द ऑर्गनाइजेशन लाइक इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट देन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट has specific needs jaise koi research department mein hai then the person should have the technical expertise and the likewise to isme jo combined efforts hota hai then management is a science as well as an art bhi bahut hi zyada important hai ispe question bhi aata hai ki how the management is a science as an art science का जैसे हम मतलब easily समझते हैं कि science में हम क्या study करते हैं जो पहले साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने कोई rules दिए हैं या कोई laws formulate किए हैं जो कि थम रूल की तरफ फॉलो करते हैं जैसे ग्रेविटी है ग्रेविटी इट इज़ अ काइंड ऑफ रूल कि वॉट एवर इज गोइंग टू फॉल ऑन द अर्थ जो अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो दैट इज़ यूनिवर्सल कंसेप्ट साइंस में यूनिवर्सल कंसेप्ट होते हैं लेकिन आर्ट होता है एक कला एक ही चीज़ को आप डिफरेंट डिफरेंट वे से कर सकते हैं दैट इज़ एन आर्ट तो जो मैनेजमेंट के रूल्स हैं और जो मैनेजमेंट किस तरीके से की जाए उसमें साइंस के प्रिंसिपल्स भी फॉलो होते हैं यानी हमें कुछ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स होते हैं जिस तरीके साइंस में होते हैं और मैनेजमेंट में जिस तरीके से आर्ट में हर पर्सन की इंडिविजुअल कैपेसिटी किसी चीज़ को अप्लाई करने की तो यहाँ पे मैनेजमेंट में भी जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो अप्लाई कैसे कर करता है ऑर्गेनाइजेशन में कई ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है कई ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी लीनियंट बिहेवियर होता है मैनेजर्स का तो इट 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 डिपेंड्स ऑन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज बिंग मैनेजड सो द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट वेरियस प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड मोर ओवर स्पेशलाइज स्किल इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई बाकी मोटिवेशनल स्किल्स हो गई यू कैन ऑट ट्रीट ईच एंड एवरी पर्सन इन द सेम वे वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करने के तरीके अलग होते हैं लाइक यू कैन गिव दैम हाई इन सैलरी और द वेजेस जो मिडिल क्लास मैनेजर्स हैं उनके लिए आप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और जो बिल्कुल ही हाई लेवल एम्प्लॉयज़ हैं दे नीड गुड प्रमोशन और दे नीड कि वहाँ पे उनके क्वालिटी वर्क ज़्यादा दिया जाए या उनको रिकोगशन मिलती है काम में दे फील दी जॉब सेटिस्फेक्शन तो मैनेजमेंट के डिफरेंट व्यूज होते हैं देन मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में एक पावर दी जाती है कि किस पर्सन से अथॉरिटी फ़्लो होती है फ्राम टॉप टू लोअर लेवल हु कैन कमांड दी अदर पर्सन अब जो नीचे वाला लेवल होगा वो अपने इमीडिएट बॉस को इंफॉर्मेशन uh, प्रोवाइड करता है या फीडबैक देता है या रिपोर्टिंग करता है देन दैट पर्सन अगेन गिव्स द रिपोर्टिंग टू हिज इमीडिएट सुपीरियर और द सुपरवाइजर इस तरीके से अथॉरिटी फ्लो करती है फ्राम टॉप टू बॉटम तो मैनेजमेंट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं एक हायर की होती है एक स्ट्रक्चर होता है अब वो स्ट्रक्चर ब्रॉड भी हो सकता है जिसमें लेवल्स कम होते हैं या उस स्ट्रक्चर में लेवल्स तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन स्ट्रक्चर ब्रॉड नहीं है नैरो स्ट्रक्चर है जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है बल the कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है चाहे वो छोटी से छोटी चाहे वो बड़ी से बड़ी हो जहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत ना हो अगर हम बात करें छोटे से बिजनेस की या हम बात करें एक सोल ओनर सोल प्रोप्राइटर की या बिग कंपनी की एवरीवेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड ना वॉट द वेरियसलजमेंट वेरियस ऑफ मैनेजमेंट्स आर लाइक द टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड द लो लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली गोर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस आते हैं यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए जहाँ पे बेसिकली सी ई ओ हो गए प्रेजिडेंट हो गए वाइस प्रेजिडेंट हो गए ऑन दी अदर हैंड मिडल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हैड्स होते हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के हेड हो गए या ऑल ओवर कंट्री में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके रीजनल ऑफिस जो होंगे उनके हेड हो गए देन द लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं जो टीम्स बनती हैं डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं डिपार्टमेंट्स की तो डिफरेंट टीम्स हैं उनके टीम लीडर हो गए मैनेजर्स के नीचे काम करने वाले इंप्लॉयज़ हो गए सुपरवाइजर्स हो गए शिफ्ट मैनेजर्स हो गए फॉर्मेंस हो गए सो टू कंक्लूड दिस आई वुड लाइक टू से हमने बेसिकली सारा टॉपिक क्यों कवर किया इसलिए कवर किया क्योंकि हमें मैनेजमेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए क्यों समझ में आना चाहिए क्योंकि यह यूनिवर्सल कंसेप्ट है कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें या हम अपने घरों की भी बात करें या हम अपने स्कूल लेवल की रीजनल लेवल की ऑफिस की इलेक्शंस की वेर एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैनेजमेंट उस चीज़ की प्रॉपर होनी ही होनी चाहिए एंड देन द रियलिटी ऑफ वर्क हमेशा एक ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर करते हैं कि या तो हम खुद मैनेज करते हैं या हम किसी और के थ्रू मैनेज होते हैं सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस टॉपिक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज़ यहाँ पे मैं एल एल एम के रिलेटेड और एम बी ए के रिलेटेड जर्नल टॉपिक्स हैं और बाकी लॉ के रिलेटेड जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो मैं अपलोड करती हूँ आपकी कोई सजेशनस हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए थैंक यू सो मच